अध्यापिका और मेरे प्रिय साथियों, मैं फातिमा, आप सबको मेरा सादर प्रणाम। दोस्तों, आज सितंबर 14 हिंदी दिवस है। क्या आप सब जानते हैं इस दिवस हिंदी दिवस के रूप में क्यों मनाते हैं? आप सब जानते हैं हिंदी एक विशाल भाषा है। भारत में सबसे अधिक लोगों की बोलचाल भाषा भी हिंदी है, लेकिन हिंदी को राजभाषा की पदवी सितंबर 14 को मिली थी, यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज की पदवी। इस सुवर दिन की याद में हर वर्ष सितंबर 14 हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। पहले आप सबको हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इस दिन को और भी मनोरम बनाने के लिए हम नवीन कक्षा की छात्र छात्राएं तैयार हैं। चलिए कार्यक्रम की ओर। तो सबसे पहले एक दोहे सुनो। दोहे लेकर तैयार है लिया अशोक। नमस्कार, मैं लिया अशोक हूँ। हिंदी दिवस पर एक दोहे। हिंदी अपनी बान है, भारत माँ की शान, इसके ही सम्मान से बढ़े हमारा मान। अब तो मिलना चाहिए हिंदी को सम्मान, पूर्ण राष्ट्रभाषा बने ऐसा लो संज्ञान। हिंदी रस रचना चके करे दिलों पर राज, मधुर मधुर से भाव से हिंदी है सरताज। कानों पर रस घोलते हिंदी कविता गीत, सच से प्यार के बोल से लेती सबको जीत। धन्यवाद। धन्यवाद लिया। तो आगे एक भाषण लेकर आई है अनश्वरा। नमस्ते, मेरा नाम अनश्वरा है। आज मैंने हिंदी दिवस के बारे में एक भाषण बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आप सबको हिंदी दिवस का शुभकामनाएं। हिंदी दिवस हर साल 14 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी भाषा हमारी राष्ट्रीय भाषा है। अंग्रेजी भाषा को मत करो, इतना गुणगान हमारी राष्ट्रीय भाषा को भी दो बराबर का सम्मान। हमें हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी पर गर्व होना चाहिए, क्योंकि आज पूरे विश्व में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषाओं से एक हिंदी है। हिंदी दिवस मनाने का यह भी एक कारण है कि हिंदी भाषा के प्रति लोगों को जागरूक किया जा सकते हैं। हिंदी दिवस विद्यालय, कॉलेज आदि में भी मनाया जाता है। धन्यवाद। बहुत बढ़िया अनश्वरा। हिंदी दिवस की महत्व कितना विशाल है, सुनिए नंदा की कविता। नमस्कार, हिंदी दिवस के इस अवसर पर मैं एक छोटा सा गाना आलापन करती हूँ। हिंदी है मेरी आन और हिंदी है मेरी शान, हिंदी है मेरी आन और हिंदी है मेरी शान। हिंदी मेरी पहचान है और मेरा स्वाभिमान, हिंदी मेरी पहचान है और मेरा स्वाभिमान। जिस देश की मिट्टी में है हमने जन्म लिया, उस देश की भाषा से है परहेज क्यों किया। जिस देश की मिट्टी में है हमने जन्म लिया, उस देश की भाषा से है परहेज क्यों किया। अंग्रेजी ना आए तो क्या है गम सताए, वो देशभक्त क्या जिसे हिंदी नहीं आए, वो देशभक्त क्या जिसे हिंदी नहीं आए। थोड़ा सा तो बढ़ा लो हिंदी में अपना ज्ञान, वो हिंदी मेरी पहचान है और मेरा स्वाभिमान। हिंदी है मेरी आन और हिंदी है मेरी शान, हिंदी है मेरी आन है और हिंदी है मेरी शान। हिंदी मेरी पहचान है और मेरा स्वाभिमान, हिंदी मेरी पहचान है और मेरा स्वाभिमान। धन्यवाद नंदा। आगे भी एक भाषण सुनाऊंगी अशबा ने। नमस्कार, आज हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर आप सबको हार्दिक अभिनंदन और बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। भारत देश में हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 में हिंदी भाषा के राजभाषा के खतज मिला। भारत में पहली हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 को मनाया गया। इस दिन का मुख्य उद्देश्य हिंदी भाषा का प्रचार और प्रसार बढ़ाकर उसका विकास करना। हिंदी विश्व की प्राचीन समृद्ध तथा महान भाषा होने के साथ भारत की राष्ट्रभाषा है। यह भारत देश में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है।
हिंदी भाषा भारत देश की पहचान है। हिंदी का भाषा में अमूल्य महत्व है। धन्यवाद। अश्वानी टीके का है ना दोस्तों, तो रेनल भी अपने भाषण के साथ तैयार है। रेनल माननीय अध्यापिका एवं मेरे कक्षा के प्रिय मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं आज 14 सितंबर के दिन हम पूरे भारत में हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि ने भारत की कार्यकारी और राजभाषा का दर्जा आधिकारिक रूप से दिया गया था और तभी से आज तक पूरे देश में 14 सितंबर का दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन का जश्न मनाने का उद्देश्य हिंदी भाषा का महत्व बताने, हिंदी भाषा की बढ़ावा देना और प्रचार करना है। इस दिन सरकारी विभागों, स्कूलों, कॉलेजों आदि में हिंदी प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती है। धन्यवाद। धन्यवाद रीनल। हरिवंश राय बच्चन की कविता के बिना क्या हमारी हिंदी दिवस पूरी होगी? नहीं तो नक्षत्रा सुनाऊंगी एक सुंदर कविता। जो बीत गई सो बात गई, जीवन में एक सितारा था, माना वो बेहद प्यारा था, वो डूब गया तो डूब गया। अंबर के आनन को देखो, कितने सके तारे टूटे, कितने सके प्यारे छूटे, जो छूट गए फिर कहाँ मिले। पर बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है, जो बीत गई सो बात गई। जीवन में वो था एक कुसुम थे, उस पर नित्य निछावर तू थे, उस पर नित्य निछावर तू थे, उस पर नित्य निछावर तू। अंकित करा दिया है नक्षत्रा, तो इस दुखी अवस्था को हम दूर करेंगे देवनंदा की भाषण सुनकर। देवनंदा। मेरे माननीय प्रधान आचार्य, मेरे आदरणीय शिक्षकों और मेरे प्यारे दोस्तों को नमस्कार। मैं देवनंदा हूँ और मुझे हिंदी दिवस पर भाषण देने का अवसर प्राप्त हुआ है। हिंदी दिवस 14 सितंबर 1949 से मनाया जा रहा है। हिंदी आधुनिक इंडो आर्यन भाषाओं के दायरे में आती थी। हिंदी के पुराने संस्करण हिंदुस्तानी हिंदी और कारी बोली थी, जो 10वीं शताब्दी ईस्वी में बोली जाती थी। दुनिया भर में लगभग 80 करोड़ लोग हिंदी बोलती है। हिंदी विश्व की चौथी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। देवनागरी लिपि पर लिखी गई हिंदी हिंदी का वास्तविक रूप धारण करती है, जिसे भारत के संविधान ने अपनाया था। हिंदी का इतिहास लगभग 1000 वर्ष पुराने है। धन्यवाद। धन्यवाद देवनंदा। कृष्णेंदु भी भाषण के साथ तैयार है। कृष्णेंदु। मेरा नाम कृष्णेंदु है। आज हिंदी दिवस है। मैं आपको इसके बारे में बताना आया था। हिंदी भाषा भारत की राष्ट्रभाषा है। भारत देश में हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 में हिंदी भाषा भारत की राष्ट्रभाषा बनी। भारत में पहला हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 को मनाया गया। इस दिन का मुख्य उद्देश्य हिंदी भाषा का प्रचार और प्रसार बढ़ाकर उसका विकास करना है। हिंदी विश्व की प्राचीन समृद्ध तथा महान भाषा होने के साथ भारत की राष्ट्रभाषा है। हिंदी भाषा पूरे देश का एकता के सूत्र में बढ़ती है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, जो विश्व की सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि है। हमें अपने राष्ट्रभाषा हिंदी का सम्मान करके अपने देश का आत्मनिर्भर बना होगा। मैं इसे यहाँ समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद कृष्णेंदु। तो अब हम जाएंगे हमारी कार्यक्रम के आखिरी भाषण पर।
ऐश्वर्या सुकेश के साथ। नमस्कार आदरणीय प्रधानाचार्य देवतुल्य गुरुजनों और मेरे प्यारे सहपाठियों, मेरा नाम ऐश्वर्या सुकेश। आज हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर मैं आप लोगों के समक्ष कुछ शब्द रखने जा रही हूँ। हिंदी काव्य की परंपरा बहुत लंबी है। शिव सिंह सेंगर ने हिंदी के आदिकाल के प्रथम कवि के रूप में खुशिया कुंड का नाम प्रस्तावित किया। कुछ विद्वान सहपा को हिंदी के प्रथम कवि मानते हैं। सहपाद और उनके समवर्ती व परिवर्ती सिद्धों ने दोहों और पदों के रूप में उनकी स्फुट रचनाएँ प्रस्तुत की। रासोकाल तक आते आते प्राचीन हिंदी के रूप स्थिर हो चुका था। हिंदी के कुछ कवियों का नाम है हरिवंश राय बच्चन, अब्दुल रहीम गारखाना, सोम ठाकुर, अमीर खुशबू आदि। हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए अपने विचारों को विराम करती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद ऐश्वर्या। दोस्तों विविध कार्यक्रम के साथ हमारी आज का दिन संपन्न हुआ है। कार्यक्रम में भाग लिया हुआ सभी दोस्तों से मेरी ओर से धन्यवाद और एक बार भी हिंदी दिवस की सारी शुभकामनाएं। जय हिंद जय हिंद। नमस्ते मेरा नाम अनामिका एस नंब्यार है। मैं कस्तूरबा पब्लिक स्कूल में चौथी कक्षा में पढ़ रहा हूँ। मेरे पास 1% हिंदी डयासा तोड़ अनुबंधित और पाठ पदन है। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। देवनागरी लिपि में भाषा, जन जन के मन की अभिलाषा। देवनागरी लिपि में भाषा, जन जन के मन की अभिलाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। पामग 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 दप मगरे 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 पमगरे सा पामग 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 दप मगरे 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 पमगरे सा। भारत की सारी भाषाएं इस भाषा की बहन है। भारत की सारी भाषाएं इस भाषा की बहन है। मुकुट राष्ट्र भाषा का सिर पर शोभित इसके गहने है। मुकुट राष्ट्र भाषा का सिर पर शोभित इसके गहने हैं। पढ़े वही चौधी के, सुने वही चोली के। पढ़े वही चौधी के, सुने वही चोली के। यह विशेषता हिंदी ने पाई है। संपूर्ण राष्ट्र के जन मन में हिंदी से एकता आई है। संपूर्ण राष्ट्र के जन मन में हिंदी से एकता आई है। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। देवनागरी लिपि में भाषा, जन जन के मन की अभिलाषा। देवनागरी लिपि में भाषा, जन जन के मन की अभिलाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। पामग 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 दप मगरे 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 पमगरे सा पामग 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 दप मगरे 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 पमगरे सा। द
धन्यवाद। अग्रेशा जी, मैं आज इस हिंदी दिवस पे सुभद्रा कुमारी चौहान की कोयल नाम की कविता गाने वाली हूँ। देखो कोयल काली है पर मीठी है इसकी बोली, इसने ही तो कूग कूग कर आमों में मिश्री गोली। कोयल कोयल सच बतलाना क्या संदेश लाई हो, बहुत दिनों के बाद आज फिर इस डाली पर आई हो। सबसे मीठे मीठे बोलो यह भी तुम्हें बताया है, इसीलिए तो तुम कहलाते हो सब चिड़ियों की रानी, हो सब चिड़ियों की रानी, हो सब चिड़ियों की रानी। धन्यवाद। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, उप प्रधानाचार्य, माननीय शिक्षकगण और मेरे सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम अवंतिका एस नंबियार है। मैं कस्तूरबा पब्लिक स्कूल में सातवीं कक्षा में पढ़ रहा हूँ। आज 14 सितंबर है। संपूर्ण भारत में इस दिन को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। सबसे पहले आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदी भाषा के प्रति सम्मान प्रकट करने हेतु हर साल हम इस दिन को उत्साह से मानते हैं।
हिंदी भाषा विश्व में बोली जाने वाली मुख्य भाषाओं में से एक है। हिंदी हमारे देश की संस्कृति और संस्कारों का प्रतिबिंब है। वर्ष 1918 में महात्मा गांधी ने गुजरात शिक्षा सम्मेलन में प्रस्तुत एक भाषण में हिंदी के महत्व बताए और कहा हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। तब से हर साल यह दिन हिंदी दिवस के तौर पर पूरे उत्साह के साथ भारतवर्ष में मनाया जाता है। हिंदी हिंदुस्तान की राजभाषा ही नहीं बल्कि हिंदुस्तानी की पहचान भी है। आज के समय में भारतवासी अंग्रेजी भाषा सीखने के लिए ज्यादा झुकाव रखते हैं, लेकिन हम भारतवासी को यह कभी भूलना चाहिए कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। हिंदी भाषा का विकास और इस हिंदी भाषा को विलुप्त होने से बचाने के लिए कैसा करना अनिवार्य है। हम सभी को हिंदी है हम वदन है नारे का सम्मान करना चाहिए। आप सभी को एक बार फिर से हिंदी दिवस की बात बहुत बहुत बताइए। इस सत्र का हिस्सा बनने और मुझे सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। कुछ पूछ न कुछ मांगा तूने दिल से दिया जो दिया। न कुछ बोला न कुछ तोला मुस्कुरा के दिया जो दिया। तू ही तरह तरह के रंग रूप है तरह तरह के वेश लेकिन सब है भाई भाई एक हमारा देश। धर्म और भाषा के झगड़े अरे कौन फैलाता पूछ रही है दुखी हृदय से अपनी भारत माता। आज़ादी की आन की रक्षा करना हमारा कर्म देश हमारा सबसे पहले देश हमारा धर्म। घर अलग जगाना है लोगों को समझाना है ऊंच नीच के भेदभाव को मिलकर आज मिटाना है। बापू की इस भावना को मत पहुंचाना टेस। सभी को सुप्रभात मेरा नाम चिन्मय है। मैं यहाँ हिंदी दिवस के बारे में बात करने के लिए हूँ। हिंदी दिवस को प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर
1949 को हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा माना गया था। हिंदी दिवस हिंदी भाषा के सम्मान और उत्थान के लिए मनाया जाता है। हिंदी भाषा पूरे भारतवर्ष की राष्ट्रीय भाषा भी है। हिंदी भाषा को गांधी जी ने जनमानस की भाषा कहा था। 70% से अधिक लोग हिंदी भाषा को प्रयोग बोलने और दैनिक कामों में करते हैं। अंग्रेजी और चीनी भाषा के बाद पूरे दुनिया में हिंदी तीसरी सबसे बड़ी भाषा है। इस दिन स्कूलों और कॉलेजों में हिंदी भाषा को प्रोत्साहित करने के लिए प्रोग्राम आयोजित करवाए जाते हैं। इस दिन हिंदी भाषा क्षेत्र में अच्छा काम करने वालों को राष्ट्रभाषा गौरव पुरस्कार और राष्ट्रभाषा कीर्ति पुरस्कार दिया जाता है। धन्यवाद। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथी लगाए तो डर जाएंगे, बाहर निकाले तो मर जाएंगे। हैप्पी हिंदी डे। नमस्ते जी, मेरा नाम फातिमा तल्फिया। राजा आया, जाता लाया, बादल लाया, जाता बाया, जल भर कर सब बरसाया। राजा राजा जाता बाया। धन्यवाद। सुप्रभात। आज हिंदी दिवस है। जन जन की जी मिलाती हो वो भाषा हिंदी कहलाती है। भारत देश में हर वर्ष 14 सितंबर में हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 हिंदी भाषा के राजभाषा के दर्ज मिला है। यह भाषा देश के सबसे अधिक बोली जाने वाले भाषा है। हिंदी भाषा हमारे देश की संस्कृत और संग्रह के प्रतिबंध है। वह देश की एकता की प्रतीक है। हिंदी भाषा भारत की देश की पहचान है। धन्यवाद। आप सबको मेरा हिंदी दिवस के शुभकामनाएं हैं। मैं हूँ शिवा हर्ष। मम्मी के रोटी गोल गोल, पापा के पैसे गोल गोल, हम भी गोल तुम भी गोल, सारी दुनिया गोल माल टोल। नमस्कार। हिंदी दिवस हर साल 14 सितंबर को मनाया जाता है। अंग्रेजी, स्पैनिश और मंदारिन के बाद हिंदी दुनिया में चौथी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। हिंदी दिवस पर हर साल भारत की राष्ट्रपति दिल्ली में एक समारोह में हिंदी भाषा के अतुलनीय योगदान के लिए लोगों को राजभाषा पुरस्कार से सम्मानित करते हैं। भारत में हिंदी एकमात्र ऐसी भाषा है जिसे सबसे अधिक बोला, लिखा व पढ़ा जाता है। पर आज के समय में युवाओं को अपनी इस भाषा को बोलने में शर्म होती है, जो कि सही नहीं है। कई साहित्यकारों ने अपनी बातों कहने के लिए हिंदी को चुना, क्योंकि केवल शब्द ही नहीं बल्कि इसकी भाव भी लोगों के दिलों को छूते हैं। ये मेरा आग्रह है कि बोलचाल और लिखित वक्त हिंदी का इस्तेमाल अधिक से अधिक हो। धन्यवाद।